भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली है। ऐसे में इस सम्मेलन के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। आज से शुरू हुई भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक 2 दिन आयोजित होगी। भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की इस बैठक का उद्घाटन चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। G20 में इंटरनेशनल फाइनेंस को मजबूती दी जाए और कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान हो, यही G20 मीट का लक्ष्य है। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणीय ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। ये वही दर्शन है जो हमारी G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को भी रेखांकित करता है। 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए G20 के सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुँचे।